बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा कवर्धा में चल रही है। बाबा की कथा में गृह मंत्री विजय शर्मा भी पहुंचे। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर और कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के हनुमंत कथा में शामिल होकर भक्ति रस का आनंद लिया। उन्होंने बागेश्वर बाबा से छत्तीसगढ़ की सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी लिया। तो बड़ी ऊष्मा बड़ी ऊर्जा महसूस हुई है मुझे। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, स्वामी जी के इस ताकत से, स्वामी जी के इस प्रेरणा से, स्वामी जी के कवर्धा में उपस्थिति मात्र से हम सब एकत्रित हुए हैं, एक हुए हैं, हमारी ताकत बढ़ी है, हम सब को जिस चीज की आवश्यकता थी वो आज पूरी हुई है। और बड़ा ही महत्व से यह भी है कि माननीय पूज्य महाराज जी ने यह कहा कि वो पिछले जन्म में कवर्धा नहीं थे। ये बड़े हर्ष का विषय है। और उन्होंने अपने चेले के बारे में बताया जिसने वो पेंटिंग बनाई थी, तो मुझे भी बिल्कुल याद आ गया कि पूर्व जन्म में तो मैंने ही वो पेंटिंग बनाई थी। लेकिन जो दूसरी फरात वाली कथा थी वो किसी और की थी। चरण झुके पूज्य स्वामी जी का बार बार प्रणाम करता हूँ। कवर्धा की धरती में, कवर्धा के देवभूमि में उनका अभिनंदन है। कृपा जी महाराज का आशीर्वाद सदैव रहा है कवर्धा में। शंकराचार्य भगवान का आशीर्वाद सदैव कवर्धा में रहा है। भवदेव भगवान का आशीर्वाद कवर्धा में रहा है। कबीर पंथ के आचार्यों का आशीर्वाद कवर्धा में रहा है। कवर्धा में सत्ता धर्म का आशीर्वाद सदैव कवर्धा में रहा है। और उन सब के आशीर्वाद के बाद इस नई पीढ़ी के साथ आपका आशीर्वाद कवर्धा में है। ये सबसे बड़े हर्ष और गर्व का विषय हम सब के लिए है। बार बार चरण छूकर प्रणाम करके और आपके कवर्धा में आने पर बार बार आपका अभिनंदन करते हुए, इस बात का निवेदन करते हुए कि आप बार बार कवर्धा में आए। आप जितनी बार कवर्धा में आएंगे इतनी और इससे ज्यादा ज्यादा संख्या में हम सब आपका स्वागत करेंगे। हनुमान दादा की।